अभी मैंने 130 तक भी रीडिंग देखी है यहाँ पे, तो आप सोचिए कि ये सिटी का, अगर सीक्रेट सिटी के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया था, उससे क्या आपको नुकसान हो रहा है। और ये तो इंडस्ट्रियल एरिया का हालात था, मैं आपको सीक्रेट सिटी के अंदर जो गाड़ियों का पोल्यूशन है वो भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लंग्स कितने दाव पे हैं, हमारी लंग कैपेसिटी, हमारी इम्यूनिटी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे लिए जो भी लाइफस्टाइल डिजीज होती है उसमें सारा कारण इसी का है। और आप देखिए रीडिंग देखिए आप 175, 197, तो एक पर्टिकुलर एरिया से मैं गुजर रहा हूँ, वहाँ पर ये रीडिंग देखिए 210, 200, ये बहुत हाई है, ये स्टैंडर्ड से कई गुना बहुत ज़्यादा है। स्टैंडर्ड कायदे से होना चाहिए 10 से नीचे, लेकिन ओवरऑल अपन 30-40 तक भी अपन नॉर्मल मानते हैं। और ये हालत है इंडस्ट्रियल एरिया और उसके आसपास का। मॉर्निंग में अभी 7:30 बज रहे हैं और फैक्ट्रियों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। यही है कि अगर हम इन पार्टिकुलेट मैटर के कंटिन्यूसली एक्सपोज होते रहते हैं तो वो हमारी लंग कैपेसिटी को धीरे धीरे वीक करते रहते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आनंद राज 24 पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करेंगे हेल्थ और फिटनेस के बारे में कि हेल्थ और फिटनेस के लिए लोग क्या कर रहे हैं। तो आज का जो ये व्लॉग है वो इसी के बारे में रहेगा कि हेल्थ और फिटनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं। हम खड़े हैं स्मृति वन में, सीकर के जो सबसे बड़ा एक तरह से पार्क बोल सकते हैं या वन बोल सकते हैं, कितना ह्यूज एरिया में ये फैला हुआ है ये देखिए। और ये हमारे साथ जितेंद्र जी हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। अब पूरा सीकर यहाँ से आपको दिखाई देता है, आप देखिए बहुत खूबसूरत नज़ारा है। सुबह 5:30 बजे के लगभग का एक नज़ारा है। और पीछे की तरफ देखिए आपको सीकर का जो हिल स्टेशन है हर्ष पर्वत दिखाई देगा आपको। थोड़ा हो सकता है ये यहाँ पे हर्ष पर्वत है तो बादलों के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। ये पीछे मेरे पीछे देखिए वो टिन सेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो टिन सेट यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेलने का मैदान है, खेलते हैं लोग, और ट्रेक इसमें बहुत सारे बने हुए, तो ट्रेकिंग करने के लिए लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि समूह में बहुत सारी चीज़ें नहीं करें। समूह में करने पे आपकी अभी जो कोरोना का है, कोविड की कंडीशन चल रही है, उसमें कॉन्टामिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो समूह में नहीं करें, इंडिविजुअली आएँ। बहुत सारी इतना स्पेस है यहाँ पे कि आप अलग अलग निकल के कहीं भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ जितेंद्र जी हैं, वो आपको बताएंगे कि हेल्थ और फिटनेस कितनी ज़रूरी है और उसके लिए वो क्या करते हैं। कहावत सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसी प्रकार अगर अपन को हेल्थ सही है तो अपन को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, जैसे अपन तली चीजें ज्यादा खाते हैं उसको छोड़ना, कुछ अच्छी सप्लीमेंट लेना जो अपने हेल्थ में इम्प्रूव कर सके, जिससे इसमें काफी चीज आते हैं, प्रोटीन आते हैं, मिनरल्स आते हैं, विटामिन आते हैं, वो अपन को लेना होता है। इसलिए ये कहावत सटीक होती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। तो ये थे जितेंद्र जी जिन्होंने हेल्थ के बारे में अपने राय दी। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक मीटर की रीडिंग जो आपको दिखाएगी कि क्या वातावरण है। इसको हम पूरे सीकर में भी टेस्ट करने वाले हैं। अभी अर्ली मॉर्निंग हम स्मृति वन में, यहाँ पे आप देखिए PM 2.5 जो पार्टिकल होता है उसकी रीडिंग यहाँ पे है, PM 2.5 पार्टिकल की। अर्ली मॉर्निंग है, गुड कंडीशन में है, कायदे से ये होनी चाहिए 10 के नीचे, लेकिन 10 तो कहीं हो नहीं पाता। 10 तो उसी कंडीशन में हो सकता है कि आपने एयर प्यूरीफायर कहीं लगा रखा है और क्लोज इन्वायरमेंट है, वरना तो नेचर की कुछ खुशबू होती है, मिट्टी की कोई खुशबू होती है, या कुछ ना कुछ हवा में पार्टिकल्स होते हैं उनसे ये रीडिंग आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर मॉर्निंग की देखें तो ये जो है रीडिंग, ये बहुत ही सफिशियंट अच्छी रीडिंग है, जिसको लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसमें पार्टिकल्स नहीं है और पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में है, और सुबह की अच्छी वातावरण से आप ऑक्सीजन अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और आज देखिए लंग की कैपेसिटी या इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, तो आप एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये यहाँ की रीडिंग है स्मृति वन की, जो हम बीच में हैं जंगल में, और एक तरह से ये रीडिंग है, तो ये ठीक ठाक सेटिस्फेक्ट्री रीडिंग है। तो ये रीडिंग हम सीकर में भी अलग अलग लोकेशन की दिखाएंगे कि क्या वहाँ पर हालत है। देखिए कोरोना से पहले तो हालत बहुत ख़राब था, लेकिन कोरोना आने के बाद में कुछ, जैसे ट्रैफिक कम हुआ, तो ट्रैफिक कम होने से कुछ चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ है। तो हुआ है या नहीं हुआ, कितना हुआ है, तो वो हम सीकर में अलग अलग जगह रीडिंग लेके भी बताएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ है जयंत, जो आपको बताएंगे कि वो मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों आते हैं। तो जयंत आप बताइए हमारे दोस्तों कि आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं और मॉर्निंग वॉक क्यों करते हैं। मॉर्निंग वॉक इसलिए करते हैं कि एकदम फिटनेस अच्छी हो जाए, और ना मतलब दौड़ने से ना बहुत सारे कई फायदे हो जाते हैं, मतलब कि मतलब शरीर अच्छा रहता है, तंदुरुस्ती रहती है शरीर में, और भी मतलब कई से फायदे होते हैं। घूम और एक्सरसाइज भी मतलब मस्ट होती है सुबह के लिए, इसलिए मतलब एक्सरसाइज जरूरी है। तो इसलिए आप घूमने आते हैं। हाँ, इसलिए घूमने। तो स्मृति वन का आपको खूबसूरत नज़ारा कैसा लगता है?
स्मृति ईरानी का मतलब काफी बहुत अच्छा नजर है इसमें, मतलब पेड़ पौधे हैं, एकदम शुद्ध वातावरण है यहाँ का, नो मतलब प्रदूषण भी नहीं है। तो दोस्तों हम स्मृति वन में और आपको दिखा रहे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक का एक नज़ारा। ट्रैक पे लोग आ रहे हैं, थोड़ी आज बारिश के कारण लोग आए कम है, अभी थोड़े लेट आएंगे आज, लेकिन फिर भी अब कुछ कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे जो मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। और सीकर में अगर आप रहते हैं तो स्मृति वन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन हो सकती है, पिकनिक के लिए हो सकती है, मॉर्निंग वॉक के लिए हो सकती है, योगा एक्सरसाइज के लिए हो सकती है, या प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे पॉइंट है, लोकेशन है, जैसे वाच टावर हो, जैसे जो पॉन्ड बना हुआ है, जैसे जो कमल के लिए गार्डन बना हुआ है, अरावली गार्डन है, और बहुत सारे इसमें पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। गायत्री परिवार की तरफ से भी यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग संगठन पेड़ पौधे लगा के उनकी देखभाल करते हैं, सरकार तो जो करती है उसके अलावा ये लोग भी करते हैं। और हमने और जितेंद्र जी ने भी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए, लगभग हमने 140 के लगभग पेड़ पौधे लगाने में मदद की और उनके देखभाल की। तो ये देखिए सुबह का जो नज़ारा है आपके सामने है, तो ये हेल्थ के लिए, आपकी सांस के लिए, आपकी लंग्स के लिए, आपके शरीर को फिट करने के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही अच्छा शांत वातावरण है, फ्रेश हवा है, जिसका आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आके बहुत ही खूबसूरत आनंद ले सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं रीडिंग मीटर की, ये 36 के समथिंग बनी हुई है, 33, 36, तो लगभग यही रहेगा, क्योंकि पार्टिकल्स हैं थोड़े, ये पार्टिकल साइज थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि प्रकृति की स्मेल होती है, हवा चल रही होती है, मिट्टी होती है, लेकिन इतना तो सफिशियंट है। लेकिन इसके साथ अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ पोल्यूशन मिक्स नहीं है और हार्मफुल केमिकल्स जो एयर पोल्यूशन है तो वो नहीं है जो गाड़ियों से निकलता है, कार्बनिक या मेटलिक जो एक्सपोज बाहर निकलता है तो वो नहीं है इसमें। तो जो हवा है वो काफ़ी हद तक देखा जाए तो हेल्दी है, और जिसका आप आनंद लेके मॉर्निंग में आके यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। तो देखिए स्मृति वन का जो बीच में मेन गार्डन, वहाँ पे योगा और एक्सरसाइज चल रही है। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, राम राम। तो सर आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी हम पेड़ पौधों की निराई गुड़ाई कर रहे हैं। उम्र हो गई हमारी 66 ईयर। 66 ईयर के मदर सिंह जी शेखावत स्मृति वन में रोज श्रमदान करते हैं, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और वो हेल्थ के लिए भी, फिटनेस के लिए चीजें करते हैं। अच्छी तो भूख लगती है, अच्छी नींद आती है। इनका कहना है कि अच्छी भूख लगती है और अच्छी नींद आती है, तो इस उम्र में यही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार सर। नमस्कार, शुभ नाम आपका? विशाल सिंह शेखावत। तो सर आप कितने समय से घूमने आ रहे हैं? मेरे को 1 मंथ हो गया सर घूमते। कोरोना लॉकडाउन के बाद में 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। तो आप जनरली घूमने का क्या महत्व समझते हैं, क्यों घूमने आते हैं आप? घूमने से इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी रहती है, आदमी में एक्टिवनेस रहती है। ठीक है सर, थैंक यू। ये देखिए मैं इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ और आप मॉर्निंग वॉक अगर जल्दी नहीं करते हैं तो ये हालत हो जाती है कि धीरे धीरे पॉल्यूशन बढ़ने लगता है और इंडस्ट्री के आसपास जो रहते हैं उनके लिए सोचे कितना खतरनाक काम हो सकता है। ये सब कुछ हवा की स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि हवा किस तरफ आ रही है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, कितनी स्पीड से हवा चल रही है। स्पीड ज़्यादा होगी तो पार्टिकल ज़्यादा सस्पेंडेड हो जाएंगे तो उसमें रीडिंग थोड़ी कम आएगी, और वहीं अगर डायरेक्शन आपकी तरफ हुआ तो और रीडिंग हाई आएगी। तो ये जस्ट छोटा सा एक नमूना है, तो एक पर्टिकुलर एरिया से मैं गुजर रहा हूँ, वहाँ पे ये रीडिंग देखिए 210, 200, ये बहुत हाई है, ये स्टैंडर्ड से कई गुना बहुत ज़्यादा है। स्टैंडर्ड कायदे से होना चाहिए 10 से नीचे, लेकिन ओवरऑल अपन 30-40 तक भी अपन नॉर्मल मानते हैं। और ये हालत है इंडस्ट्रियल एरिया और उसके आसपास का। मॉर्निंग में अभी 7:30 बज रहे हैं और फैक्ट्रियों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, और अभी तो ये मॉर्निंग की रीडिंग है। आप देखिए दिन में जब चलता है, दोपहर होती है या शाम होने लगती है, तो उस टाइम तो पॉल्यूशन पीक पे होता है। और ये तो इंडस्ट्रियल एरिया का हालात था, मैं आपको सीकर सिटी के अंदर जो गाड़ियों का पोल्यूशन है वो भी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए एक ट्रक के पास का नज़ारा, या गाड़ी से जो निकलता है पोल्यूशन, या पोल्यूशन के कारण ये टोटल वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे शो रहे हैं आपको। तो ये बहुत ही मात्रा में पार्टिकल्स में कम है, लेकिन टोटल वोल्टाइल जो कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में।
तो दोस्तों हम हैं डॉक्टर आस्था आबूसरिया के साथ। हम जानते हैं इनसे, जो आपको मैंने वीडियो में डिटेल बताया स्मृति वन का, कि कैसे लोग योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं। साथ में हमने आपको दिखाया पार्टिकल्स के बारे में, 2.5 माइक्रोन के पार्टिकल, TVOC के बारे में, सिकर की अलग अलग कंडीशन दिखाई हमने। और अब हम बातचीत करेंगे डॉक्टर आस्था आबूसरिया से, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को, अपनी हेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं और हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो स्वागत है आस्था आपका। धन्यवाद आनंद जी। नमस्कार आप सभी को, मेरा नमस्ते। आज हम पॉल्यूशन और हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बात करेंगे। तो आस्था जी, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा कि हमारे दर्शकों को बताइए कि ये PM2.5 जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, जो हमने वीडियो में बताया, वो आप डिस्क्राइब कीजिए कि पार्टिकल क्या होता है, ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। PM2.5 पार्टिकल हमारे चारों तरफ के वातावरण में प्रेजेंट होता है, जो कि स्टैंडर्ड साइज होती है 2.5 से 10 माइक्रोमीटर। जो 10 माइक्रोमीटर से ऊपर के पार्टिकल हैं वो हमारे नाक और गले में उपस्थित सीलिया और म्यूकस से बाहर वॉश आउट कर दिए जाते हैं। लेकिन जो 2.5 के बराबर और उससे कम के पार्टिकल हैं उनको बॉडी बाहर वॉश आउट नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स हैं। वो जाके लंग में डीपली इन्वेड कर सकते हैं और उससे अपने आगे चल के, क्योंकि उनमें जो पार्टिकुलेट मैटर है उनमें कई कार्सिनोजेंस भी होते हैं, जो कि अपने डीजल जब बर्न होता है उससे बनते हैं, तो लंग कैंसर की संभावना रहती है उनसे। आगे चल के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी उनसे एक्सपोज रहने का चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो एस्थमेटिक होते हैं उनमें ज़्यादा ट्रिगर पैदा कर देते हैं, तो स्टेटस एस्थमेटिकस जैसी सीवियर बीमारियां हो सकती हैं उनसे। जो ये पार्टिकल हैं वो हमारे चारों तरफ, जो हम डेली लाइफ में घर पे लकड़ियां जलाते हैं खाना बनाने के लिए, गाँव में लोग जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, और जो स्टोन ग्राइंडिंग करते हैं घरों में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो उससे सब ये सब पार्टिकल बनते हैं। तो मैंने जनरली देखा है कि जो ये पार्टिकल 2.5 माइक्रोन है, ये एक नॉर्मल परफ्यूम लगाने से या आपने जिसे बिल्कुल ये जो हम डेली परफ्यूम से जो छोटे छोटे एरोसोल पार्टिकल निकलते हैं उनमें भी उपस्थित होते हैं, जो अगरबत्ती जलाते हैं अपन घर में उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो आस्था जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, कोविड का जो सिनेरियो है, क्या उसमें भी ये 2.5 पार्टिकल या इससे कोई डैमेज हुआ जो शरीर में, उसमें क्या इस जो आज के सिनेरियो में भी इसका बहुत बुरा अपने शरीर पे नेगेटिव असर पड़ता है क्या? जी बिल्कुल, इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जब हम देख रहे हैं, जब जिनकी लंग कैपेसिटी पहले से ही बहुत अच्छी है उन पे कोविड वायरस का इफेक्ट बहुत कम हो रहा है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट उनमें बेहतर है। लेकिन यही है कि अगर हम इन पार्टिकुलेट मैटर के कंटिन्यूसली एक्सपोज होते रहते हैं तो वो हमारी लंग कैपेसिटी को धीरे धीरे वीक करते रहते हैं। ज़्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहें या जो भी स्टोन ग्राइंडिंग के चारों तरफ लोग अपन, अगर अपना एक्सपोजर हो रहा है तो अपने अपने नाक को कवर करके रखें। तो आस्था जी, मैंने देखा है कि जनरली जब गाड़ी में कोई इंसान ट्रेवल करता है तो गाड़ी में भी TVOC या जो टोटल ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है या 2.5 पार्टिकल है गाड़ी में भी, अगर आप लंबे समय तक उसको बंद करते रखते हैं या वो गर्मी में खड़ी रहती है, तो उसमें TVOC और पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड हो जाते हैं, तो क्या वो भी अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल सही बात कही आपने, ऐसा हो रहा है। तो यही सब जो कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं, जैसे कि गाड़ी में भी बंद रही तो AC एयर कंडीशनर जो बाहर से ही हवा खींचता है अपने, तो बाहर के इन्वायरमेंट में वही सब पार्टिकुलेट तो मैटर हैं ही अपने चारों तरफ, तो वो उन्हीं को तो अंदर हवा भेजकर चारों तरफ गाड़ी में भी वही माहौल बन जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो PM2.5 जो पार्टिकल है या जो TVOC है उसको कम करने के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं, जिससे कि ये चीज़ हमें डैमेज कम करें, हमारे लंग्स को कम डैमेज करें? कम करने का उपाय है कि सबसे पहले तो हम प्रिकॉशंस लें, जहाँ भी ऐसे लगे कि ज़्यादा पोल्यूशन पोल्यूटेड एरिया है, हमारे कई सिटीज़ पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में काउंट हो रहे हैं आजकल, तो वहाँ पर हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम गाड़ियों में एयर प्योरीफायर लगा लें, अपने इंडस्ट्रियल एरिया में जो कंपनियां लगी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अपन सजेस्ट करें कि एयर प्योरीफायर बढ़िया अच्छे लगाएं, ताकि वो बाहर निकलने वाले, वहां से बाहर निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर को कम कर दें। और बाकी जैसे कि योगा का बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें, हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं उससे। योगा के लिटरेचर में कहा गया है कि 70-75% डिटॉक्स है हमारी बॉडी का, वो
ब्रीदिंग से होता है। जब हम डीप ब्रीदिंग की एक प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हम डिटॉक्स टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। बाकी 20-25% हम फीसिस और यूरिन के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन एक ब्रीदिंग का है वो बहुत बड़ा योगदान है, तो जिससे लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, जो कि अभी COVID-19 में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिनकी लंग कैपेसिटी पहले से बेहतर है वो उनमें रिकवरी रेट भी बेहतर निकल के आई है। अब हमसे जानते हैं कि आज की जो सिनेरियो है, कोविड का जो कंडीशन है, उसमें आप हेल्थ और इम्यूनिटी को किस तरह से देखते हैं, उसमें इम्यूनिटी का क्या रोल रहता है, इम्यूनिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमने वीडियो में पहले आपको बताया, बहुत सारे लोग तो आज जागरूक हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी घर पे बैठे हुए हैं, वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो आप बताइए, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज से अगर हम बचे रहेंगे, या हमारी कोई लाइफ स्टाइल डिजीज है तो उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? जैसा कि COVID-19 जैसा पेंडेमिक हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, ऐसे पहले भी कई वायरस, इबोला वायरस, सार्स को और जैसे वायरस आए हैं जिनकी वजह से बहुत सारा जनहानि हुई है। लेकिन जैसे कि जिनकी पहले से शरीर बहुत ही मजबूत है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो इसको ओवरकम कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे वायरस और भी आ सकते हैं, तो बेहतर होगा कि हम अपने शरीर को ही मजबूत बना के रखें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बना के रखें। तो इम्यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर से। जो बाहर से पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ती है, पहले फाइट करती है, उसके लिए मेमोरी बनाती है। जैसे इम्यूनिटी ने मेमोरी बना ली तो उसके बाद फास्ट रिस्पॉन्स होगा। तो हमने जाना कि आज हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, इम्यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, और अभी हर फिलहाल जैसे सोशल मीडिया पे देखें, न्यूज़ में देखें, एक इम्यूनिटी वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी के बारे में, और बहुत सारे बाबा भी इस चीज़ में लगे हुए हैं कि वो इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम डॉक्टर आस्था से जानना चाहिए कि इम्यूनिटी होती क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे बनती है, कैसे हमारा जो शरीर के लिए बेनिफिट्स करती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी वह चीज़ है जो बाहर से जब भी कोई अटैक हमारी शरीर पे होता है, वो वायरस ले लो, पैरासाइट ले लो, बैक्टीरिया का ले लो, कैसा भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, एलर्जेंस होते हैं कई, तो वो उनसे फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इस फाइट मैकेनिज्म में WBC महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं अपना, और भी काफ़ी डिटेल में है इसका, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि दो टाइप की होती है हमारे शरीर में इम्यूनिटी। एक तो होती है एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी है जो स्लो रिस्पॉन्स दिखाएगी जब भी कोई पार्टिकल, फॉरेन बॉडी हमारे शरीर पे अटैक करेंगी। इसको मेमोरी बनाने में समय लगता है, मतलब इजीली या तो मेमोरी बनती नहीं है या समय लगता है। और पैसिव इम्यूनिटी है जो कि एकदम फास्ट रिस्पॉन्स दिखाती है बॉडी में, जब भी कोई पार्टिकल आया, एक्सपोजर हुआ, कोई भी पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, किसी का भी। तो डॉक्टर आस्था का कहना है कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी थोड़ी स्लो करती है, क्योंकि वो अपने चीज़ों को, वायरस हुआ, पैथोजन को आइडेंटिफाई करती है, उसके हिसाब से कौन सी एंटीबॉडी बनानी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये लॉन्ग ड्यूरेशन की रहती है। जैसे कि अपन वैक्सीन लगाते हैं बच्चे के, टीकाकरण जनरली आपने सुना होगा, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी का ही प्रकार है, जिसमें जो वायरस है या कोई भी पैथोजन है उसका इनएक्टिव फॉर्म में या उसका कुछ डेथ फॉर्म में उसको दिया जाता है। और जो इन्होंने बताया कि पैसिव जो इम्यूनिटी है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं रहती, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। ये फास्ट होती है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बनी हुई शरीर में दी जाती है, तो ये फास्ट रिएक्शन देती थी, लेकिन इसकी मेमोरी परमानेंट शरीर में नहीं रहती। आप ये बताना चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल भाषा में कहा, ये डॉक्टर हैं तो ये अपने उस लैंग्वेज में बताएंगे, तो आपको वो समझ में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, तो मैंने इसको थोड़ा सिंपलीफाई किया है। तो डॉक्टर आस्था, हम ये जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, या इम्यूनिटी को कौन सी चीज़ें नुकसान पहुंचाती है, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी हमें बताएं थोड़ा। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इम्यूनिटी को नुकसान कौन सी चीज़ें पहुंचाती हैं। जैसे कि पुअर स्लीप हैबिट्स होती हैं आजकल, जैसे कि बच्चे लेट नाइट तक सोते हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, लेट नाइट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो पुअर स्लीप होती है, पुअर स्लीप हैबिट्स होती है, तो उनकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है। कम से कम हमें 6 से 8 घंटे 8 से 10 घंटे, मतलब बच्चों के लिए तो प्रॉपर साइलेंट स्लीप होनी चाहिए। फिर दूसरी है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जैसे कि लोग आजकल पूरे प्राणायाम, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या फिर कोई भी सुबह योगा, घूमना, वॉक करना, इन सब से दूर होते जा रहे हैं, तो उन वजह से भी इम्यूनिटी लोगों की काफ़ी कम हो गई है। तीसरा पॉइंट है कि जो इम्यूनिटी को कम कर रहा है वो है अल्कोहल इंटेक और स्मोकिंग।
एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक और स्मोकिंग भी से भी काफी हार्मोन एक्टिवेट होते हैं जो कि शरीर में इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। खाने फूड स्ट्रेस हार्मोन या ऐसे कुछ हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि इम्यूनिटी को बहुत कम करने में योगदान है जिनका। फूड की बात करें तो जैसे कि जंक फूड हो गया हमारा, तो वो जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा रहा है, और जो गंदी फैट होती है एक तरीके से हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में बैड फैट होती है, इनडायरेक्टली कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज को, स्ट्रोक को थक्का बनाने में ये ज़्यादा इसका नुकसानदायक साबित हो रही है। फिर लास्ट पॉइंट मैं बताऊँगी इम्यूनिटी को जो कम कर रहा है वो है स्ट्रेस। जैसे कि आजकल छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग सभी अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो मेंटली मतलब इतना ज़्यादा खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे और इवन बड़े लोग भी। और COVID-19 जैसे पेंडेमिक की वजह से तो काफ़ी स्ट्रेस लेवल लोगों में बढ़ चुका है, तो वो भी इम्यूनिटी को काफ़ी कम कर रहा है। तो मेंटली स्ट्रांग रहना इस टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या सिंपल तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा इम्यूनिटी को बिल्ड किया जा सकता है या उसको बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमें अपनी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आजकल डाइट में कोई ना कोई एक हर्ब इन्वॉल्व करो, आप एक से दो हर्ब इन्वॉल्व कर लो और उसको हर 5-10-15 दिन से चेंज कर लो, स्विच कर लो, एक पे ही मत रहो। तो जैसे कि हर्ब में अपन ले सकते हैं गिलॉय हो गई हमारी, जो कि इजीली हम घर पे भी लगा सकते हैं और उसको पानी में बॉईल करके या कैसे भी प्रिपरेशन बनाकर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर सिट्रस फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी होता है वो हम यूज़ करें, सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी हम अश्वगंधा, जिंजर, अदरक, टर्मरिक जो कि हमारे पुराने टाइम से पूर्वजों से चलती आ रही है कि टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक सब तरीके से काम करती है, जो कि बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में हम काम में लेते हैं। तुलसी को अपन बॉईल करके टी में बॉईल कर लो या किसी भी पानी में बॉईल करके पी लो पानी तुलसी का, तुलसी बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में है। इसके अलावा हम प्रोटीन जैसे दालों से तो बहुत कम जाता है, तो हम उसकी जगह प्रोटीन सप्लीमेंट्स के जो भी आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छी ब्रांड्स अवेलेबल हैं तो अपन प्रोटीन सप्लीमेंट्स लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दाल में बहुत ही कम परसेंट में अपनी बॉडी में प्रोटीन जा पाता है। ये जो अभी हाल फिलहाल में स्टडी आई थी उसमें ये चीज़ हुआ भी था कि जो 30 साल पहले जो खाना में ताकत थी वो आज कम हो चुकी है, बहुत सारे जो फूड खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की कमी है और प्रॉपर हम न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और आज भाग दौड़ की जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी ये चीज़ें कम हो रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब हो रहा है इसीलिए तो मैं बता रही हूँ कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेना बेहतर होगा। और भी जो सप्लीमेंट्स आ गए, विटामिन सी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपन, मल्टीविटामिन के अपन जैसे फ्रूट से ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट भी आजकल जैसे कि उनकी गुणवत्ता कम हो गई है तो हम उनके भी सप्लीमेंट्स आते हैं तो वो ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में शामिल करें। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी डाइट में जो नेचुरल शुगर है वही काम में लें, जो सिंथेटिक शुगर है चीनी जैसे अपन बोलते हैं उसका उपयोग बिल्कुल ही कम करते हैं। नेचुरल शुगर में जैसे अपन गुड़ ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, जो कि बाकी डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज इनमें भी बहुत ही अच्छा ब्लड को थिन करने के काम में आते हैं जो नेचुरल शुगर है वो, डायबिटीज़ और इन सब में काफ़ी उपयोग है उसका। और सबसे और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सॉल्ट का इंटेक कम कर दें। सॉल्ट जैसे जो कि हाइपरटेंसिव लोग होते हैं उनमें भी सॉल्ट का काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, तो सॉल्ट तो ऑल ओवर सॉल्ट और शुगर दोनों को ही अपन को डाइट से थोड़ा कम करना चाहिए। कॉमन आदमी के बारे में बात करें तो वो बीमारी होने के बाद में ट्रीटमेंट ज़्यादा करवाता है, वो प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम नहीं करता। तो क्या आप ये मानते हैं, आप यंग जनरेशन हैं, आप योगा करती हैं, आप हेल्थ फिटनेस का अपना ध्यान रखती है, तो आपका क्या विचार है कि कोई बीमारी होने के बाद में हमें ट्रीटमेंट लें उससे अच्छा है कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करके, आपने जैसे बताया इम्यूनिटी को पहले बूस्ट कर लें, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी योगा करें, तो वो ज़्यादा बेटर है या बीमार होने के बाद में ट्रीटमेंट लेना, या बीमार होने के बाद में ये सब सप्लीमेंट विटामिन ये खाना इंपॉर्टेंट है, या उससे पहले ही अपन अगर अपने हेल्थ की ध्यान रखते हुए अच्छे अच्छे फल संतुलित आहार ये खा के अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, तो कौन सा आपके हिसाब से क्या बेटर समझते हैं? जनरली आप एक हम चाहते हैं कि एक डॉक्टर की जगह आप एक अच्छे इंसान की जैसे बताएं कि सही लोगों को गाइडेंस मिल पाए कि आप अपने लिए क्या उचित समझते हैं, कि क्या अपनी हेल्थ के लिए आप पहले से कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं अभी से जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो सके, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल,
जैसा कि COVID-19 में भी अपन ने देखा है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी लंग कैपेसिटी अच्छी है, उनमें रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। ये COVID-19 को लोगों ने अब जैसे अब मान केयरलेस हो गए हैं, वो ऐसे मान लेते हैं जब होगा तब देखी जाएगी। लेकिन देखी जाएगी वो तो ठीक है, लेकिन जब आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी तो वो उससे रिकवर होकर बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर आप वीक हो, इम्यूनिटी वीक है, तो आप उससे फाइट नहीं कर पाओगे। तो डेली लाइफ में भी मैं आपको पहले से ही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले ही प्रिकॉशन लेकर रखें, पहले ही अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना के रखें कि बाहर से कोई भी वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर रहा है तो उससे बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। जैसे डायबिटिक लोग हैं, हाइपरटेंसिव हैं आजकल, जो कि बहुत कॉमन हो चुका है, हर घर में कोई ना कोई डायबिटिक या हाइपरटेंसिव मिल ही जाते हैं। तो इसके लिए मैं जैसे कि मैं खुद सुबह 5 बजे योगा करती हूँ, वॉक करके आती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, मेडिटेशन, ये मतलब अल्टरनेट चेंज स्विच करती रहती हूँ कि भाई आज योगा कर लिया, कल मेडिटेशन, ऐसे इन्वॉल्व करो। जैसे कि आप अपन ने पहले पार्टिकुलेट मैटर्स के बारे में भी बात करी, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप, कई लोग इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो वो सुबह का टाइम ज़्यादा चुने, क्योंकि उस टाइम पार्टिकुलेट मैटर्स कम होते हैं। जैसे कि अपन ले सकते हैं 5 से 6:30 का टाइम, क्योंकि रोड के आसपास धुआं उड़ना और वो सब उस टाइम कम होता है, तो वो सब लोग अवॉइड करें। योगा के अलावा जैसे कि खाने में, फूड में भी मैंने अपने फूड में हर्ब्स शामिल करी हुई हैं। तुलसी लेना, जैसे गिलॉय लेना, टर्मरिक दूध में मिला के ले लो, टर्मरिक जैसे मैं दूध में पी लेती हूँ। विटामिन सी सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर रही हूँ मैं फ़िलहाल, बाकी तुलसी सप्लीमेंट्स भी ले लेती हूँ कभी कभी अपनी पहल। तो मेरा मानना ये है कि इम्यूनिटी को पहले से ही बनाकर रखना बेहतर है, कि बजाय कि अपने डिजीज़ हो जाए उसके बाद अपन उस पर सप्लीमेंट्स ले, क्योंकि उस टाइम तो बॉडी वीक हो चुकी है, बॉडी वीक कर देगी तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है वापस उसको उस स्टेज में लेकर जाना। तो बेहतर है कि अपन पहले से ही सारे ये प्रिकॉशन लेकर रखें, खाने में हैबिट्स अच्छी बनाएं अपनी, योगा और योगा को अपने डेली लाइफ में शामिल करें। अंत में मैं आपके चैनल की बहुत ही सराहना करनी चाहूँगी और आपके प्रयासों की, जो कि आप बहुत ही इम्यूनिटी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पोल्यूशन के बारे में, सीकर का जो क्या चल रहा है वर्तमान में उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। काफ़ी लोग अनजान हैं, वो तो एकदम टेक इट ईजी ले रखा है कि कुछ नहीं है, पोल्यूशन क्या है, COVID-19 क्या है, सब चीज़ों को ही। तो आप ये जागरूकता का बहुत ही अच्छा आपका निर्णय है जो आपने कदम उठाया है। धन्यवाद। और अंत में मैं आप सभी लोगों को कहूँगी, स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे हेल्दी, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो दोस्तों, आपने जाना सीकर का जो हाल। हमारा एक प्रयास है कि हम सीकर के आस पड़ोस के आपको घूमने लायक जगह दिखाएं, जो जो जहाँ पे जाके आप अपने हेल्थ के लिए अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं जनरली ट्रेकिंग के बारे में, जो अपने जो दर्शनीय स्थल हैं या जो पहाड़ी माउंटेन स्थल हैं, वहाँ पे मैं आपको वहाँ का जो व्लॉग दिखाता हूँ, राजस्थान के आस पड़ोस के जो जगह दिखाता हूँ। ये सीकर का तो मेरा स्टार्टिंग प्रयास है, उसके अलावा हम राजस्थान में, भारत में और पूरी दुनिया में घूमेंगे और उसके सब चीज़ें आपके सामने लेके आएंगे। तो डॉक्टर आस्था का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये यंग जनरेशन डॉक्टर हैं और साथ में ये अपने हेल्थ पर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं, खुद पर काम नहीं करते, वो सिर्फ वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके अलावा अपनी हेल्थ पे वो काम नहीं करते। तो ये स्पेशल मैंने इनको चुना क्योंकि खुद की हेल्थ पे काम करते हैं। तो आपने पूरा एक पूरा डिटेल देखा कि कैसे लोग अपनी हेल्थ के लिए जागरूक हैं, कैसे लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या एक पोल्यूशन का जो एनवायरमेंट का माहौल है। ये हमने सिर्फ एक पार्टिकल के बारे में बात की है, ज्यादातर 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल है, ये थोड़ा TVUC के बारे में। उसके अलावा ऐसे बस पोल्यूशन है जो 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 हमने मीटर दिखाया वो डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारे पास अभी सुविधा नहीं है। तो ये आप देखिए कि आपके चारों तरफ क्या है। आप रोज अगर थोड़ा सा जुकाम होते हैं, बुखार होते हैं, पैरासिटामोल खाते हैं, तो वो भी आपका एक तरह से पोल्यूशन है। तो इस तरह से देखिए आपके चारों तरफ पोल्यूशन का कितना माहौल है, स्ट्रेस का कितना माहौल है, इम्यूनिटी आपकी दाव पे लगी हुई है। ये जैसे डॉक्टर आस्था ने बताया कि ये तो एक शुरुआत है। अभी देखिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड होने से क्या हो रहा है कि हम अपनी आवाजाही बहुत ज़्यादा है, अपने एक देश से दूसरे देश ऐसे जा रहे हैं, जैसे अपन यहाँ से एक जिले से दूसरे जैसे जिले में जाते हैं, वैसे ही हम एक देश से दूसरे देश ट्रेवल कर रहे हैं। तो आज हमारा एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारी बहुत सारी संभावना है कि ऐसा वायरस और बैक्टीरिया पहली बार हो सकता है अपने को इफेक्ट करे, जब तक उसका पता चले जब तक हम इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सारा इस कोविड या जो आज की प्रेजेंट कंडीशन में देखा गया है, जैसे कि मैं ऑलरेडी फार्मासिस्ट हूँ और मेडिकल डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ें देख रहा हूँ ऑलरेडी, कि बहुत सारे लोग तो जिनमें
सिम्टम्स भी नहीं है, जिनकी यंग जनरेशन है, जिनकी कोई लाइफस्टाइल डिजीज भी नहीं है, फिर भी आज की जो कंडीशन है उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और वो दुनिया में नहीं रह रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। हम बहुत सारे लोग इसको मजाक में ले रहे हैं, आज की कंडीशन को मजाक में ले रहे हैं, इम्यूनिटी को मजाक में ले रहे हैं कि कुछ नहीं होना। इम्यूनिटी आपका एक आपका शरीर है, आपका एक निवेश है। इस शरीर को अगर आप बेहतर नहीं बनाएंगे तो फिर आप किस चीज़ को बेहतर बनाने वाले। विडंबना ये कि हम स्टार्टिंग में पैसा बनाते हैं और उस पैसे को फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, दवाइयों में, उपचार में, उसकी जगह अपन पहले से ही हेल्थ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। अपना समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है आपके पास आज पैसा नहीं हो हेल्थ की बहुत सारी अच्छी चीज़ें खाने के लिए, लेकिन आपके पास समय आपको चुरा सकते हैं। समय के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर आस्था ने बताया कि वो खुद अच्छी मेडिटेशन योगा में अपना ध्यान रखती है और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखते हुए हर्बल कुछ चीज़ें या ऑर्गेनिक चीज़ें या वो कुछ जैसे नेचुरल चीजों का यूज करती है। तो ये सब चीजें आप मिला के अपनी हेल्थ को बहुत बेटर कर सकते हैं। आनंद राज 24 पे इस वीडियो की आपने देखा, एंजॉय किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच।